पिक्सपैक का फ्लैगशिप प्रोजेक्टर पिक्सपैक एस। एंड फ्लैगशिप होने के साथ साथ ये इंडिया का पहला प्रोजेक्टर है जिसमें आपको इनबिल्ट एंड्रॉइड पे 4K एट 60 हर्ट्ज का सपोर्ट मिल रहा है। एंड इतना ही नहीं है, इंडिया का पहला ऐसा प्रोजेक्टर है जिसको हमने 650 इंचेस के बड़े सिनेमा स्क्रीन पे टेस्ट किया है। और हाँ, डुअल स्पीकर सेटअप के साथ आता है, 15 वोट का बेस स्पीकर एंड 5 वोट का फुल रेंज स्पीकर फॉर ग्रेट ऑडियो। वेल, मेरा नाम है अभिनव एंड आप देख रहे हैं ट्रू टेकी, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। बाकी सभी देख लेते हैं। तो एक एक्सेसरी बॉक्स और अपना प्रोजेक्टर विद छोटी सी यूजर मैनुअल। तो ये बाहर तो आ गया, बट इसमें क्या है? ये है एक कॉम्पैक्ट सा IR बेस्ड रिमोट, एक हाइट एडजस्टिंग स्क्रू, AV कॉम्पोजिट केबल, पावर कोड एंड एट लास्ट HDMI केबल। तो ये सब हटाते हैं और सीधा इस पे आते हैं। लगे हाथ इस फिल्म को भी हटा लो। तो इसका शटर भी हटा दूं, ये सही है, खोएगा भी नहीं। तो ये एक फुल्ली ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर है जिसमें आपको ऑटो फोकस, ऑटो कीस्टोन से लेके ओमनी डायरेक्शनल ऑटोमेशन। अब ओमनी डायरेक्शनल ऑटोमेशन क्या है कि अगर प्रोजेक्टर थोड़ा ऐसे ऐसे या फिर ऐसे कैसे भी रखा हो, जो स्क्रीन है वो आपको एकदम प्रॉपरली अलाइंड बना के देगा। एंड इतना ही नहीं, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से लेके वर्टिकल ऑटोमेशन तक मिलता है। मतलब आप इसको कैसे भी रख दो, ये प्रॉपर अलाइंड स्क्रीन ही निकाल के देगा। एंड दैट्स व्हाई इसमें आपको कोई फोकस डायल या फिर कीस्टोन करेक्शन के लिए नॉब नहीं मिलती। इसकी लेफ्ट साइड पे आपको एक डस्ट रोकने के लिए फिल्टर मिल रहा है, टिकटैक वाला। बट दी बेस्ट पार्ट इज कि ये एक फुल्ली एनक्लोज्ड कैप्सूल इंजन वाला प्रोजेक्टर है। मतलब कि इसके अंदर डस्ट नहीं जाने वाली और ना ही कभी आपको स्क्रीन पे दिखने वाली, जो कि प्रोजेक्टर्स के अंदर एक जनरल इशू रहता है, बट इसके साथ नहीं है। वैसे यार ये लुक्स में काफी तगड़ा लग रहा है ना, एकदम भारी भारी प्रोफेशनल। वेल, टॉप कॉर्नर पे आपको पिक्सपैक की ब्रांडिंग मिल रही है, यहाँ पे कुछ टच कीज, रियर पर एयर एग्जॉस्ट फैन, पावर इन पोर्ट, लैन इन पोर्ट, 2 USB, 2 HDMI पोर्ट एंड जो HD2 पोर्ट है ये HDMI, ARC एंड CEC दोनों को सपोर्ट करता है। 3.5mm aux out एंड AV in port। बाकी IR रिसीवर पीछे भी है और आगे भी, एंड इसके जस्ट नीचे एक कैमरा सेंसर जिसके साथ ये ऑटोमेटिक वाली सारी चीजें करेगा। इधर है अपना प्रोजेक्टर लेंस जिसके ऊपर शटर वाला कवर, यहाँ पे थोड़ा सर्कुलर रिंग्स का टेक्सचर, मैट एंड ग्लोस का कॉम्बो, देन राइट पर भी एयर एग्जॉस्ट फैन, बॉटम के सेंटर पे ट्राइपॉड माउंट पॉइंट एंड आगे हाइट एडजस्टिंग स्क्रू पॉइंट। और ये रहे वो दोनों स्पीकर, 15 वोट फॉर बेस एंड 5 वोट फॉर फुल रेंज, डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट, ब्लूटूथ वर्जन 5.0। पिक्सपैक एस में आपको प्रोजेक्टर सेगमेंट के अंदर लेटेस्ट एंड्रॉइड 11 के 2GB RAM, 32GB की स्टोरेज, MediaTek का लेटेस्ट 9630 क्वाड कोर CPU विद इंटीग्रेटेड माली G52 GPU विद मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्सपैक का अपना विविड सिनेमा इंजन 2.1 जिसके साथ आपको एनहेंस्ड कलर, डीप ब्राइटनेस, डीप ब्लैक्स एंड हाई ब्राइटनेस के साथ स्क्रीन मिलती है। वेल, ये जो स्क्रीन है वो 120 इंचेस का है। वैसे हमने इसको 650 इंचेस के बड़े सिनेमा स्क्रीन पे भी ट्राई किया जिसमें मैंने पूरा थिएटर ही बुक कर डाला था। अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, बाद में देख लेना। तो इस प्रोजेक्टर के साथ आप मिनिमम 14 इंचेस का स्क्रीन, बट हमने 650 इंचेस का ट्राई किया था, वहां पर भी इसने एकदम अमेजिंग पिक्चर क्वालिटी डिलीवर की। हालांकि ये एक 1080p नेटिव रिजोल्यूशन वाला प्रोजेक्टर है, लेकिन ये सपोर्ट करता है 4K एट 60 हर्ट्ज विद HDR10। तो आपके पास अगर कोई फायर टीवी स्टिक या फिर सर्टिफाइड एंड्रॉइड टीवी बॉक्स है तो वहां पे आप मैक्सिमम 4K एट 60 हर्ट्ज विद HDR10 का सपोर्ट ले सकते हो। एंड ये चीज सिर्फ बोलने की नहीं है, अगर आप YouTube में जाओगे तो वहां पे आपको HDR प्रॉपर्ली दिखाई देगा। और अगर यहां पे भी ट्रस्ट नहीं होता तो आप प्राइम वीडियो के अंदर चले जाओ, यहां पे आपको UHD यानी कि 4K प्लस HDR दोनों चीजें दिखाई देंगी जब आप वीडियो प्लेबैक करते हो। सारी डिटेल्स आपके सामने है, तसल्ली से चेक करो। नाउ कमिंग बैक टू द पिक्चर क्वालिटी, इस प्रोजेक्टर में आपको 12,500 लूमेंस की पीक ब्राइटनेस मिलती है। एंड यार आप लोग NC लूमेंस भी पूछते हो तो 1070 NC लूमेंस के साथ ही आता है। एंड अगर आपके रूम के अंदर 20 वोट की ट्यूबलाइट भी ऑन है तो कुछ इस टाइप की पिक्चर क्वालिटी ये ऑफर कर देता है। एंड यहां से ऑथेंटिसिटी आ जाती है कि इसकी ब्राइटनेस काफी पावरफुल है एंड थोड़े बहुत इल्यूमिनेटेड एरिया में भी ये प्रॉपर पिक्चर डिलीवर करता है। देन यहां पे कॉन्ट्रास्ट रेशियो 8500:1 का मिल रहा है FOFO विद विविड सिनेमा इंजन 2.1 जिसके साथ इसकी जो पिक्चर है, देखिए दुर्राटे काट रही है ओम। काफी लोग पूछते हैं कि यार 4K HDR10 का कुछ फर्क आता है या नहीं। वेल, यहाँ पे विद 4K HDR10 एंड विदाउट 4K HDR10 दोनों क्लिप्स आपको साइड बाय साइड दिख रही होंगी। तो HDR ऑन होने के बाद जो डायनामिक रेंज है वो थोड़ी बढ़ जाती है, जो डार्क सीन्स है उसमें भी आपको जो शेड्स हैं या टेक्सचर्स हैं वो भी ज्यादा दिखाई देते हैं। एंड ऑब्वियसली 1080p नेटिव रिजोल्यूशन है, लेकिन 4K और 1080p रिजोल्यूशन की जब इनपुट में डिफरेंसेस देखोगे तो वहां पे शार्पनेस एंड क्लैरिटी दोनों का डिफरेंस आता है। एंड 4K वाली फुटेज में आपको ज्यादा डिटेल्स दिखेगी। अब एक चीज हम कैसे भूल सकते हैं, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। तो ज्यादातर प्रोजेक्टर में आपको मोशन ब्लर या फ्रेम ड्रॉप्स, इवन फ्रेम फ्रीजिंग का इशू दिखता है। लास्ट हमने E8 O9 Zen का जब रिव्यू किया था उसमें फ्रेम फ्रीजिंग का इशू था, हर सेकंड पे बहुत कम टाइम के लिए फ्रेम फ्रीज होता था और एक स्क्रीन में बड़ा लैग दिखाई देता था। तो अभी तक अगर आप वीडियो नॉर्मली देख रहे थे तो यूट्यूब की सेटिंग में जाओ, 60 FPS पे सेलेक्ट करो एंड खुद देखो कि जो पिक्चर है वो एकदम स्मूथली चलती है, कोई फ्रेम ड्रॉप्स नहीं आते, कोई मोशन ब्लर नहीं है,
सीन इन फास्ट सीन्स और आपको इस पर 260 Hz का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिलता है। सिनेमैटिक एक्सपीरियंस से तो यहाँ पे वाइट कलर गैमेट एंड DCI P3 का 97% कवरेज मिल रहा है, 16.1 मिलियन कलर से ऑफर कर रहा है। थोड़ा और ज्यादा सिनेमैटिक बनाने के लिए इसमें आपको HDMI ARC का सपोर्ट मिल रहा है, जिसको सेटअप करने के लिए आपको HD पोर्ट 2 यूज करना है। लास्ट वीडियो में मेरे पास काफी कॉमेंट आए कि HDMI ARC के साथ होम थिएटर को कैसे सेटअप करना है। तो देखो, आपको एटलीस्ट 10 मीटर की केबल लेनी होगी, क्योंकि आपका साउंड बार रहेगा फ्रंट पे जिधर होगी स्क्रीन, और प्रोजेक्टर होता है आपके हेड पे। तो ARC के लिए आपको वायर सेटअप करना पड़ेगा, HD 2 पोर्ट में इन करो HDMI केबल को और उसका जो दूसरा एंड है वो अपने साउंड बार में लगा दो, और ये ऑटोमेटिकली आपके साउंड बार को डिटेक्ट करके HDMI ARC एक्टिव कर देता है। लेकिन अगर आपके साउंड बार में HDMI ARC पोर्ट नहीं है तो यहाँ पे 3.5mm जैक भी है, ब्लूटूथ वर्जन 5.0 भी है, वो भी आप यूज कर सकते हो। और अगर आपके पास साउंड बार ही नहीं है, दो स्पीकर है, 15W वाला बेस, 5W वाला फुल रेंज। सैंपल सुनो। वॉल्यूम के बाद थोड़ा सा डिस्टोर्शन महसूस होगा, बट थैंक्स टू साउंड कस्टमाइजेशन जहां पे आप बेस, ट्रेबल, बैलेंस सारी चीजें अपने हिसाब से ट्वीक करके 100% वॉल्यूम भी डिस्टोर्शन फ्री बना सकते हो। और पिक्चर क्वालिटी को और अपने मन मुताबिक बनाने के लिए इसमें आपको पिक्चर कस्टमाइजेशन मिल जा रहा है, प्लस 3 डिफरेंट प्रीसेट्स भी मिल जा रहे हैं। वेल, अगर आप यूजर वाला खुद बिल्ड करोगे तो और ज्यादा मजा आता है। देन यहां पे जो इसका लैंप लाइफ है वो अप टू 40,000 hours है। पिक्सपैक आपको 3 साल की वारंटी लैंप पे दे रहा है और 1 साल की वारंटी ऑन फुल प्रोजेक्टर। एंड हमेशा से पिक्सपैक आपको डोरस्टेप ड्रॉप एंड पिकअप सर्विस देता है। सिर्फ आपको इनके कस्टमर केयर को कॉन्टेक्ट करना है या फिर इनकी वेबसाइट पे जाके वारंटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है एंड कंप्लेन रेज करना है। इसके बाद सारी हेडेक पिक्सपैक की है, वो आपके घर से पिक करेंगे एंड देन सर्विस करके ड्रॉप कर देंगे। अगर इसके इनबिल्ट एंड्रॉइड पे आए तो कुछ इस टाइप का आपको UI मिलता है, जहां पे डिफरेंट सेक्शंस मिल जाते हैं। एप्स डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर और एप स्टोर दोनों यूज कर सकते हो। एक यहाँ पे ब्लूटूथ स्पीकर का भी ऑप्शन मिल रहा है, तो आप अपने प्रोजेक्टर को एज ए ब्लूटूथ स्पीकर भी यूज कर सकते हो, बट कौन ही करेगा। वेल, ये फीचर है तो बता दिया। देन मैंने इनबिल्ट एंड्रॉइड पे जब YouTube ट्राई करके देखा तो आपको मैक्सिमम प्रोजेक्टर में मैक्सिमम 1080p तक ही देखने को मिलता है, बट यहाँ पे डायरेक्टली ये 2160p यानी कि 4K at 60Hz का सपोर्ट दे रहा था। लेकिन सभी प्रोजेक्टर में जो एक दिक्कत है वो है वाइडवाइन L3 लाइसेंस की, यानी कि कोई भी प्रोजेक्टर जो पेड OTT प्लेटफॉर्म्स है लाइक Amazon Prime, Netflix, Disney Hotstar और भी है जो, उनको मैक्सिमम 576 या 480p में ही चला पाता है। और ये बात मैं इनबिल्ट एंड्रॉइड की कर रहा हूँ। अगर आप कोई एक्सटर्नल फायर टीवी स्टिक या सर्टिफाइड एंड्रॉइड टीवी बॉक्स लगाओगे तो आप अप टू 4K HDR 10 at 60Hz के साथ कोई भी OTT प्लेटफॉर्म इस पे प्ले कर सकते। और हाँ, इनबिल्ट एंड्रॉइड पे भी इसका HDMI ARC काम करता है एंड बहुत प्रॉपरली काम करता है। और अगर आपके पास डॉल्बी ऑडियो कंपेटेबल साउंड बार या होम थिएटर है तो वो इसके साथ कंपेटेबल रहेगा और इमर्सिव एक्सपीरियंस देगा। बाकी इसका जो UI है वो काफी स्नैपी और लैग फ्री है। आप डिफरेंट कैटेगरी रिकमेंडेशन में जाते हो, कुछ भी प्ले करते हो, एकदम प्रॉपरली चल जाता है। इनबिल्ट आपको मिराकास्ट एंड एयर प्ले दोनों का ऑप्शन मिल रहा है। मैंने दोनों ट्राई करके देखे और दोनों काफी स्मूथली काम कर रहे थे, लेकिन कभी कभी वीडियोज में हल्का फुल्का जर्क आता है, तो बेटर है डॉक्यूमेंट्स एंड फोटोज के लिए आप मिराकास्ट या एयर प्ले यूज कर लो, और बाकी कॉन्टेंट देखने के लिए आपके पास वाईफाई या हॉटस्पॉट है। और अगर आपके पास कोई गेमिंग कंसोल है लाइक PS4, PS5 या फिर PC गेमिंग करना चाहते हो तो यहाँ पे 4K 60Hz और HDR 10 का जो सपोर्ट है वो आपकी मौज करा देगा। रीजन इज कि आपको गेमिंग एक्सपीरियंस इतनी बड़ी स्क्रीन के साथ एंड वो भी प्रॉपर कलर्स, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट पर लिटरली मजा ही आ जाता है। बाकी इसका अगर रिमोट का थोड़ा ओवरव्यू दो तो बहुत लिमिटेड फंक्शंस है लाइक वॉल्यूम कंट्रोल की, नेविगेशन कीज, मेन्यू, सोर्स सिलेक्शन एंड अगर ऑटो फोकस में आपको लगता है कि थोड़ी बहुत कमी है तो यहाँ पे फोकस प्लस माइनस की भी है, आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत कर सकते। बट ये सारी अच्छी अच्छी बातें चल रही है, थोड़ी बहुत बुरी भी तो होंगी। तो अभी भी देखो, इसके साथ IR बेस्ड रिमोट आ रहा है जिसको यूज करने के लिए आपको प्रोजेक्टर की तरफ पॉइंट आउट करना पड़े। सेकंड थिंग इज कि हर प्रोजेक्टर की तरह वाइडवाइन L3 लाइसेंस ही है, बट वो कोई ऐसा सच इशू नहीं है, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है ज्यादातर लोग कोई सर्टिफाइड एंड्रॉइड टीवी बॉक्स या फायर टीवी स्टिक ही यूज करने वाले। वेल, इसकी जो प्राइसिंग है वो है 29,999। रुको, ACE प्रोमो कोड के साथ आपको 5,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसके बाद इसकी फाइनल प्राइसिंग होगी 24,999, सही है ना। एंड अगर आप COD ऑर्डर करना चाहते हो तो 1,000 rupees का कंफर्मेशन चार्ज आता है, जो कि COD के टाइम पे माइनस हो जाता है। एंड अगर आपके पास बहुत बड़ा स्पेस है तो ये अप टू 650 इंच तक जा सकता है। जब हमने सिनेमा हॉल की स्क्रीन पे चला लिया तो कहीं भी चल जाएगा। बाकी अगर वो वीडियो नहीं देखा तो एंड स्क्रीन पे अब आपको दिख जाएगा, देख लेना। तो ये था ओवरऑल वीडियो रिगार्डिंग पिक्सपैक एस। वीडियो अच्छा लगा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ करो, इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो करो। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, रेस्पेक्ट द टेक।